हेलो डियर पेरेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर राहुल चौहान है और मैं मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में एज ए पीडियाट्रिशियन के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है और ये बच्चों को कब शुरू करनी चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शुरुआती 6 महीनों में बच्चों के लिए मदर्स मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर 6 महीने की अवस्था के बाद ब्रेस्ट मिल्क सफिशेंट नहीं होता बच्चे की ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। तो ऐसे में हमें कुछ और चीज़ें बच्चे की डाइट में ऐड करनी पड़ती हैं। ये डाइट एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ये डाइट एक कंप्लीट डाइट होनी चाहिए। तो कोई ऐसे फूड, कुछ ऐसी स्पेसिफिक डाइट जिससे एक ही डाइट से बच्चों को सारी चीज़ें मिल जाएं, ऐसा मुश्किल होता है। हमें कुछ चीज़ों को बच्चों की डाइट में कम्बाइन करना होता है। वेरियस डाइट शुड बी कम्बाइंड टुगेदर टू प्रोवाइड ए ऑप्टिमल न्यूट्रिशन टू द बेबीज़। अब ये क्या हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम सीरियल्स ले लें जो कि राइस बेस्ड हो या वीट बेस्ड हो, उसमें हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, हम उसमें कुछ नट्स ऐड कर सकते हैं और उसकी कुछ कैलोरीज बढ़ाने के लिए उसमें हम वी कैन ऐड सम ऑयल और घी टू गिव सम मोर कैलोरीज। दैट कुड बी अ बैलेंस्ड एंड अ कम्प्लीट फूड फॉर योर बेबी। इसी तरीके से अगर हम मिल्क बेस्ड कंप्लीट फूड की बात करें तो हम अपने बच्चों को दलिया हो गया, खीर हो गया, हम ऐसी चीज़ें भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एक चीज़ हमारे सामने आती है कि किस मात्रा में और कितना फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बच्चा 6 से 8 महीने की अवस्था का है तो ऐसे में हम जो कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दलिया या आप खीर या कोई भी चीज़ शुरू करना चाहते हैं वो आप शुरू कर सकते हैं। उसकी मात्रा, उसकी जो मात्रा है, लगभग 2 से 3 बार हम पूरे दिन में बच्चों को वो अपने दे सकते हैं। और उसकी जो अमाउंट है जो हमें बच्चों को देना चाहिए वो लगभग 2 से 3 टेबल स्पून के आसपास हमें बच्चों को अपने देना चाहिए। ध्यान रहे, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को बंद कर दें। वी शुड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड विद द ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऑल्सो। इसी तरह से जब बच्चे की ग्रोथ और बढ़ती है, जब वो बच्चा 9 महीने से 11 महीने की अवस्था में पहुँचता है, तो हम इन चीज़ों को और उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। लगभग हम दिन में बच्चे को 3 से 4 बार ये चीज़ें दे सकते हैं और उसकी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आधा कप या आधा जो हाफ बोल होता है वो हम बच्चों को दे सकते हैं। इसी प्रकार से जब बच्चा 1 से 2 साल की अवस्था का हो जाता है तो इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ी और मात्रा में दे सकते हैं। लेट से 3/4 कप और बोल जो है वो हम बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं। ये ध्यान रखें कि जो होममेड फूड होते हैं वो ही प्रेफर करें बच्चों के लिए। जो आर्टिफिशियल, जो हम बाहर से फूड लेते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर योर चिल्ड्रन। कई बार देयर आर सम मिथ के जो हम बाहर से बने हुए जो खाना हम लाते हैं, जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स होते हैं, दे क्लेम टू बी वेरी हाई एनर्जी, हाई प्रोटीन, बट दिस इज़ जस्ट अ मिथ। माई सजेशन कि वी नीड टू फोकस ऑन द होम मेड फूड। फ्रेश वेजिटेबल्स लाइए, फ्रूट्स लाइए और अपने बच्चों को दीजिए फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर ब्रेन डेवलपमेंट। धन्यवाद।